Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। ये कहानी है शौर्य की, पराक्रम की, विश्वास की और भारतीय सेना की। और ये कहानी है लोंगेवाला की। 4 दिसंबर 1971 के रोज भारतीय सेना बेफिक्र होकर सीमाओं की सुरक्षा में लगी थी। उस वक्त भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा पूरब में ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और दूसरा बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा में तैनात था। उस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि सही मौका है, अगर भारत में घुसना है तो कम तैनाती वाले इलाके से घुस जाते हैं। और पाकिस्तान ऐसा ही करता है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत की सबसे लंबी रेतीली सीमा है और इस सीमा पर एक जगह है लोंगेवाला। और यही लोंगेवाला पाकिस्तान को भारत में घुसने का आसान रास्ता महसूस होता है। तब पाकिस्तान को यह डर था कि भारत कभी भी उसकी सीमा में घुस सकता है। और इसी डर का नतीजा था कि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के पश्चिम के 11 एयरफील्ड्स और रडार स्टेशनों पर अचानक हमला कर दिया। बस फिर क्या, पाकिस्तान के इस हमले ने भारत पाक के बीच जंग का ऐलान कर दिया। 1971 में हुई इस जंग में भारत पाकिस्तान के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। खूब गोले चले, खूब टैंक गरजे और खूब बम भी बरसे। इस लड़ाई में कौन जीता ये तो आपको पता होगा, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि ये जंग भारत के लिए कितनी मुश्किल थी। जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई तो भारत के पास महज 120 सैनिक थे और चंद बंदूकें। और सामने से पाकिस्तान लेकर आया था 54 T-59 और शर्मन टैंक्स के साथ 2000 सैनिकों की फौज। जब लड़ाई खत्म हुई तो दोनों तरफ के नुकसान की तस्वीर कुछ ऐसी थी। जहां भारत के 3 बहादुर सैनिक शहीद हुए तो वहीं पाकिस्तान के 200 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के 37 टैंक और 100 से भी ज्यादा आर्मर्ड गाड़ियां नष्ट हुई तो वहीं भारत के 5 ऊंटों की मौत हो गई। भारत के महज 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को पस्त कर दिया और ऐसी तबाही मचाई जिसके जख्म पाकिस्तान के लिए आज भी हरे हैं। भारत के वीर सिपाही शहीद जगजीत सिंह बॉर्डर के सनी देओल की तरह हाथ में मशीन गन लेकर पाकिस्तान के तरफ बढ़ गए और रास्ते में आने वाले भारत के हर दुश्मन को नीस्तनाबूद कर दिया। ये थी 1971 की भारत की वीरता की एक छोटी सी कहानी। आज इसी जंग के 51 साल हो चुके हैं और इस अवसर को BSF पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है। जैसलमेर के लोंगेवाला में पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को कब्रगाह बनाए जाने के इस दिन को BSF ने बड़े गर्व से मनाया, जिस दौरान जैसलमेर के आर्मी स्टेशन पर भारत के वीर जवानों ने अपनी ताकत के साथ साथ चुस्ती फुर्ती भी दिखाई। कई प्रकार के लोग जो है, बड़े बड़े जो यहाँ पे कई जाने माने गणमान्य लोग हैं, यहाँ पर आकर इस पराक्रम दिवस के साक्षी बने हुए, जंग विश्व हो रहा है। कई प्रकार के जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं, रोमांचकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। मलखम तो शानदार महाराष्ट्र में होता है, यहाँ आर्मी के जवानों ने शानदार मलखम किया और कई प्रकार के देशभक्ति से पूरा माहौल जो है वो गुंजायमान उठा है। पूरा जहाँ पे देशभक्ति का जज्बा देखने को मिल रहा है। विमल भाटिया, जैसलमेर,